हे गाइस, क्या हाल है भाई। तो फिर से एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं लेके आ गया हूँ दो अलग अलग प्रजाति के बेबलेट्स, जो कि एक ही मेरे पास ये है और एक ही मेरे पास ये है। तो ये लाने में मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, मैं वीडियो भी शायद थोड़ा लेट आए कि मार्केट से लेके आया हूँ भाइयों इनको, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था इसलिए, और बनाना जरूरी था। तो आज हम इनका अनबॉक्सिंग करेंगे गाइस। तो ये वाला है, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है कह सकते हो एक टाइप से, क्योंकि इसका स्टेडियम अलग से बना दिया गया है इन्होंने। पहले वो एक बेकार सा पतरे जैसा डब्बा आता था वो प्लास्टिक का ही, अब थोड़ा अलग है। ये मैंने ऐसे ही ले लिए भाई, इनकी भी क्वालिटी देख लेंगे कैसे हैं ये। मुझे नहीं लगता, मुझे अच्छे लग नहीं रहे तो पता नहीं कैसे होंगे। ठीक है, करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। अभी मैं नॉर्मल सेटअप में नहीं हूँ हमारे, इसलिए मेरे पास कंटेंट नहीं था। तो आज हमारे पास कोई स्टेडियम भी नहीं है, तो आज बस इनका अनबॉक्सिंग करेंगे और इस छोटे से स्टेडियम में इनकी फाइट करेंगे। सबसे पहले कर देते हैं इनका अनबॉक्सिंग, तो देखते हैं भाई इसके अंदर क्या मिलता है हमको। ओके, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं भाइयों। इसके अंदर हमको तीन बेबलेट्स मिलते हैं, एक लॉन्चर मिलता है। पहले इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। ISI मार्क के साथ आता है। इसको जो भी बनाता है भाइयों बहुत बेकार बनाता है, ये KK6169। थोड़ा सा यार वेट लगाओ इनमें, क्या मतलब बिल्कुल ही ऐसे बना रखे हैं जैसे कि इनसे हम खेल ही नहीं सकते भाई। तो प्लीज़ जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है, थोड़ा सा मेटल ऐड कर दो भाई इसके अंदर। मेटल ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब ठीक है समझ गया मैं, थोड़ा बजट कम रखना, लेकिन ये बजट कम नहीं है गाइस, मेरे को 150 रुपये का पड़ा ये। और प्लास्टिक इतना, मतलब देखते हैं भाई, कुछ नहीं बोलेंगे, पहले लॉन्च करके देखेंगे और फिर बताते हैं कैसी क्वालिटी है इसकी लॉन्चिंग के बाद। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओके, तो ये कुछ ऐसे लॉन्च होते हैं भाइयों, मतलब इतनी स्पीड नहीं है। मेटल वाले बिल्कुल आराम से हरा देंगे। ये मेड इन इंडिया है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई थोड़ा सा तो क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी इनको। हाँ, तो ये हमको मिला है एक ड्रिगर ड्रोंजर या फिर ड्रिगर टाइप है ये, फिर ये ये ड्रिगर टाइप है और ये भी ड्रिगर टाइप है, ये ड्रोंजर टाइप होगा, ड्रैगन टाइप इसमें कोई भी नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये तीन बेबलेट्स हमको मिले हैं इसके अंदर। और एक ये लॉन्चर है जिस पे लिखा हुआ है पावरफुल। कहाँ से पावरफुल, ठीक है भाई, तुम्हारी माया तुम्हें जानो। थोड़ा सा यार जो भी बना रहा है मैन्युफैक्चरर, थोड़ा सा मेटल ऐड कर दो, बाकी सब सही है। ओके, नेक्स्ट सिस्टम पे आ जाते हैं हमारे, जिसमें सबसे पहले हमको मिलता है एक स्टेडियम, जो कि पता नहीं निकल क्यों नहीं रहा, चिपक गया है शायद। ओके, ये है इसका स्टेडियम गाइस, छोटा सा, पहले जैसे पतरे जैसा ही है जैसे देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अलग प्रजाति का है ये, अपग्रेडेड वर्जन है एक टाइप से कह सकते हो। ओके, इसको लगाते हैं भाई हमारे छोटे से स्टेडियम को यहाँ पे। और साथ में हमको मिले हैं दो लॉन्चर्स गाइस, ये शायद न्यू वेरिएंट्स हैं, क्योंकि ये इसमें नए स्टेडियम्स भी आए ना, है मेड इन चाइना ही। पता नहीं यार हर एक शॉप पे सिर्फ और सिर्फ हमको ये सेट ही क्यों मिलता है, मतलब मान सकता हूँ कि लोगों को पसंद है कि एक में ही, एक सेट में ही बहुत सारे बेबलेट्स मिल जाएं, लेकिन यार किसी को अलग से भी चाहिए होते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा होए मार्केट में तो मज़ा आ जाए। पर जो भी है कुछ कह नहीं सकते अभी के लिए हम। ये हमको मिलती हैं स्ट्रिंग्स इसकी, में एक मिनट यार ये किसका है। ओके, ये एल्ड्रैगो का है, ठीक है, इसमें सारे स्टिकर्स हैं, चार बेबलेट्स हैं ना, ये फोर बेबलेट सेट है गाइस। इसमें हमको डार्क बुल भी मिलता है, डार्क बुल या रेड बुल, बुल मिलता है गाइस इसमें, ठीक है। और स्ट्रिंग की क्वालिटी अभी ठीक है, मतलब पहले एक बार और अनबॉक्स किया था मैंने ऐसे सेट, उसकी मेरे को स्ट्रिंग टूटी हुई मिली थी, इसकी शायद नहीं टूटेगी क्योंकि क्वालिटी थोड़ी सी ठीक लग रही है। और दो कीज़ मिली हैं इसके साथ हमको, कीज़ तो हमेशा की तरह ठीक ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है कीज़ में। उसके बाद हमको मिला है ये एल्ड्रैगो और शायद लेड हो सकता है इसमें, या फिर नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये लेड टाइप लग नहीं रहा है मेरे को, बट देखना पड़ेगा वो तो। मेरे को एक टेस्ट किट मंगानी है यार, वो टेस्ट किट आते ही फिर तो हम झंडे गाड़ देंगे सबके। ओके, ये है एल्ड्रैगो, सॉरी लियोन गाइस, लियोन रोक लियोन, नाइस। इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक ही लगी मेरे को,
मेरे को ये 250 रुपये का पड़ा है। कमाल की बात है, अगर इसको ऑनलाइन लोगे तो ये 600 रुपये का है भाई। बहुत ही अजीब सीन है भाई ऑनलाइन और इस ऑफलाइन में। कभी कभी ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऑफलाइन चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। पेगासस को ट्रांसपेरेंट सा बना दिया, देखो पेगासस के इसको फेस कवर को, जो भी कह लो इसको, लेयर होती है जो मेटल के ऊपर, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा है भाई। अच्छे लग रहे हैं यार, कुछ भी कहो, चमक रहे हैं भाई। पॉलिश की करी है जो करा है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं बेबलेट, नाइस। ये वाले अच्छे हैं, वो वाले नहीं बोलूँगा मैं, अच्छे हैं कहीं से भी नहीं है भाई। तो चलो एक दो फाइट करा के देख लेते हैं गाइस कैसे रहेंगे। और हाँ, थोड़ी सी एनर्जी डाउन डाउन है गाइस, क्योंकि बहुत ही भागा दौड़ी हो रखी है इसलिए। बट कोई बात नहीं, कल से थोड़ा सा कोशिश करूँगा मैं पूरी एनर्जी के साथ। इनको मैं शायद साथ में लेके जाऊँगा, इनके ऊपर मेरे को टेस्ट करने हैं अलग अलग। ये देखो यार, अलग से पेगासस पे कुछ ये मार्क्स भी हैं, नाइस। ओके करते हैं भाई इसके साथ फाइट इसकी। और इसमें एल्ड्रैगो भी राइट स्पिन है गाइस। और हाँ, पेगासस की क्वालिटी में मेटल थोड़ा सा डिक्रीज़ किया गया है पहले के बेब्लेड से। यह बार हो गया भाई, बड़ी छोटी सी पेटल थी ये तो। बहुत ही छोटी पेटल थी यार ये तो, जो भी है इस स्टेडियम में इतनी ही पेटल होगी। बट एक बार और करते हैं ट्राई, एल्ड्रैगो से कर लेते हैं, लाइटनिंग एल्ड्रैगो गाइस, फेवरेट ऑफ ऑल टाइम लाइटनिंग एल्ड्रैगो। किसका नहीं होगा ये फेवरेट, मतलब इसको देखो यार एक बार, मस्त सी चीज़ है ये। एक बार इसको भी लॉन्च कर देते हैं, भिड़ो 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 भिड़ो, अरे बहुत जल्दी हरा दिया यार, हालांकि मैंने लेट भी लॉन्च किया था, बट ठीक है। अभी इसकी फाइट करेंगे हम इन प्लास्टिक वाले बेब्लेड से, और उनसे देखेंगे भाई ये क्या जीत पाएंगे। ओके, लाइटनिंग एल्ड्रैगो वर्सेस प्लास्टिक बेब्लेड्स, 3 2 1 हो जाए शुरू। अरे भाई, ओके फिर से करना पड़ेगा, ये तो भाग गए बाहर। यार बाहर क्यों जा रहे हो, समझ गया मैं कि थोड़े से उतावले हैं, बट बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर से बाहर चला गया भाई साहब, अब मैं क्या करूँ भाई। अब मैं क्या बोलूँ उसको, एक छोटी सी जगह पे वो लॉन्च नहीं हो सकते, उनके लिए एक टोपिया लेना पड़ेगा गाइस, या फिर कढ़ाई लेनी पड़ेगी। ओके लास्ट ट्राई, ये तो फंस ही गया भाई इसके अंदर। तो इनकी क्वालिटी पे मेरे को अभी बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। टोईजी वाले अच्छे बनाते हैं, लेकिन ये वाले नहीं हैं अच्छे। टोईजी वाले तो भाई बहुत सही चीज़ बनाते हैं, लेकिन टोईजी वाले आजकल बनाने के, ठीक है 3 2 1 हो जाए, नहीं बना रहे यार, ये तो चल ही नहीं रहा। ओके तो ये वाला सेट बहुत बेकार है, लेकिन इस वाले के साथ फिर भी हम खेल सकते हैं। मुझे नहीं पता इसके अंदर लेड है या नहीं है, चेक करना पड़ेगा। टेस्ट किट मंगाएंगे गाइस जल्दी ही, जल्दी से जल्दी, और फिर हर एक बेब्लेड का हम टेस्ट करेंगे कि कौन से में लेड है, ठीक है। मतलब जिस बेब्लेड का, फेक बेब्लेड का रिव्यू करेंगे, उसका साथ में टेस्ट भी कर देंगे कि इसमें लेड है भी या नहीं। ओके तो ऐसा मेरा कुछ करने का प्लान है। तो भाई जो भी चैनल पे नया भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। और ये था हमारा आज का टॉपिक सा छोटा सा वीडियो, बस यही बताना था कि इनसे थोड़ा सा बचें, इन पे थोड़ा सा भी ट्राई कर सकते हो। अगर 250 रुपये मिल जाएंगे तो बिल्कुल भी बुरी डील तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 250 रुपये में मुश्किल है भाई इतने सस्ते मिलने। अगर इनका ऑनलाइन रेट तो देखो 600 आराम से है, 600 500, ठीक है। तो ओके यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय।